एक तरफ जहां विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने दुनिया भर के देशों की आर्थिक व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है, वहीं अब कोरोना काल में आरोपी सीधे सीधे लोगों को अधिक मुनाफे के लालच देकर ठगी को अंजाम देने में जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले में सामने आया है, जहां एक युवक से मार्केटिंग के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। मंदी के इस दौर में अगर आपको प्रलोभन देकर षड्यंत्रकारी मोटा कमीशन देने का लालच देकर अगर आपसे लाखों रुपए ऐंठ ले तो आप पर क्या बीतेगी। जब आपको पता चलेगा कि आपके साथ ठगी हुई है और आप ठगी का शिकार हुए हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले में सामने आया है, जहां एक युवक से मार्केटिंग के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। गुना निवासी मनोज अहिरवार ने बताया कि माखन वर्मा निवासी शिवपुरी उसके मित्र के साथ गुना पहुंचा था, जहां उसे माखन ने मार्केटिंग का एक प्लान समझाया था, जिस पर काम करने के बाद मोटा कमीशन मिलने की बात कही थी, जिसके बाद मनोज ने टुकड़ों में 20 लाख रुपए दे दिए थे। जब कुछ समय बाद माखन वर्मा ने कमीशन की बात की तो उसे टहला दिया। जब युवक के समझ में आया कि वो ठगी का शिकार हो गया तो उसने तत्काल पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित मनोज का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। रात इकरार था, माखन वर्मा है और उसके दो तीन साथी और हैं, नीरज वर्मा, माता दी और सुरेन वर्मा। उन्होंने अपने मतलब मेरे साथ धोखाधड़ी की है बिजनेस के नाम पर। मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं तो इसके माध्यम से पैसा लेते गए कि हम कमीशन देंगे आपको, और साथ में ये भी एग्रीमेंट बनवा लिया कि जो पैसा हम दे रहे हैं आप छः दिन का मतलब जब वापस मांगोगे छः दिन के बाद में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। जब पैसे मांग रहे हैं 8 दिन हो गए, ना मूल राशि मिल रही ना मेरा कमीशन, कुछ भी नहीं दे रहा है, वापस नहीं कर रहा है, समय पर टाइम पर टाइम दे रहा है। कितनी किस्तों में पैसे दिए आपने, ये कितने कितने रुपए डाले थे? मैंने इसके किस्त पूरे पैसा अकाउंट में गया, 5 लाख रुपये इसको कैश पेमेंट दिया था जिसका एग्रीमेंट मेरे पास है, बाकी का इनके अकाउंट में पैसा डाला। तो किस जो ये जो बिजनेस था आपका, इसमें प्रोडक्ट या क्या चीज़ थी? कुछ भी नहीं था, बस बातें हो रही थी, बातों बातों में उसने उलझा लिया, ऐसा कोई प्रोडक्ट भी नहीं था। तो वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभी मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है, तो ये मनोज अहिरवार करके कोई गुलाबगंज गुना के हैं, इनका ऐसा बताना है कोई मार्केटिंग का के लिए बोल के इनसे 20 लाख रुपए, कोई माखन वर्मा है उनके साथी, लोगों ने अपने अकाउंट में डलवाए थे और कोई कमीशन नहीं दिया, तो हम इसकी जाँच करवा ले रहे हैं कि अगर जाँच में पूरे फैक्ट्स आते हैं कि इतना पैसा गया और क्या इनका प्रॉमिस था, कोई एग्रीमेंट था, क्योंकि बेसिकली ये व्यापारिक लेन देन तो है, लेकिन उसमें क्राइम है कि नहीं इसकी जांच करा के फर्दर कार्रवाई करें। बहरहाल पीड़ित मनोज ने एक नहीं बल्कि 2 जिलों की पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल देखना होगा कि फरियादी को कब तक न्याय मिलता है। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।